और अब बात करेंगे यूपी पुलिस की, जो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रही है। जी हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन में यूपी पुलिस फिसड्डी साबित निकली। डीजीपी ऑफिस पीएचक्यू को दरअसल यूपी के पुलिस वालों की ही जानकारी नहीं है, आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद का हैरान करने वाला ये खुलासा सामने आया है, जिसमें पीएचक्यू के पास यूपी के आईपीएस कैडर, पीपीएस कैडर की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के सृजित पद की जानकारी नहीं है, कितने पद भरे गए हैं और कितने पद खाली हैं कुछ भी मालूम नहीं है। रैंकवार कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अनजान है ये महकमा, कितने पुरुष और कितनी महिला कर्मचारी हैं कोई जानकारी नहीं इस बारे में। पुलिस कर्मियों की जातिवार जानकारी भी पुलिस मुख्यालय के पास नहीं है कि नर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की संख्या का भी इन लोगों को पता नहीं है। पिछले 10 साल में सेवा काल में मरने वालों की संख्या भी नहीं पता। 10 सालों में नए भर्ती किए गए कर्मियों की भी कोई सूचना नहीं है। अब सवाल जो है वो यहाँ पर कई उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ राम भरोसे ही चल रही है यूपी पुलिस? जिनको अपना पता नहीं है उन पर जनता आखिर कैसे करेगी भरोसा? अपने ही रिकॉर्ड नहीं है, अपराधियों के रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि क्या कुछ हो रहा है महकमे में, कौन किस पद पर है, कितने पद खाली हैं, कौन सा पद भरा गया है, कौन कहां है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या सिर्फ राम भरोसे ही समझे यूपी पुलिस को? निश्चित तौर पर निदा, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है आरटीआई के जरिए वो बेहद चौंकाने वाली है कि खुद पुलिस महकमे को अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है कि उसके पास आईपीएस रैंक के कितने अधिकारी हैं, पीपीएस रैंक के कितने अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर कितने हैं, और तमाम जो कह सकते हैं कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है, खुद पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात निदा यह है कि अगर हम पुलिस थानों की बात करें तो आज के डेट में बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी फाइलें होती हैं जो कि अगर हम कुछ साल पहले की अगर कोई फाइल मांगे जाए तो वो फाइल वहां पर मौजूद नहीं होती है। कुछ किन्हीं कारणों से ये भी देखा गया है कि उन फाइलों को जानबूझकर वहां से हटा दिया जाता है, वहां से गायब कर दिया जाता है। बिल्कुल अविनाश, तो गायब कर दिया जाता है फाइलों को। अब सवाल ये है कि जिनको अपना ही पता नहीं है तो ऐसे में भला जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? अपने ही रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं तो अपराधियों के रिकॉर्ड कैसे रखेंगे?